नमस्कार, मैं सुमन बंसल आपका अपने शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सदाशिव की आप सब पर अपार कृपा बनी रहे, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों, आपके परिवार पर अपार कृपा बनी रहे। कुछ भक्त बड़े भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। कुछ नहीं, भक्त तो सदा ही भोले होते हैं और सीधे साधे होते हैं। अटपट उनके प्रश्न होते हैं और बाल मन से जब वो प्रश्न करते हैं तो उनको वैसा ही उत्तर देने का मन करता है। भगवान ने भी कई स्थानों पर रामायण में, शिव पुराण इत्यादि में, जैसे हम भगवान की कथाएं पढ़ते हैं, स्वयं भी कहा है कि मुझे भोले भक्त अत्यंत प्रिय है। चतुर की तो परीक्षा होती है और आप जानते हैं कि परीक्षा में पूरे अंक यदा कदा ही आया करते हैं और नहीं तो नेगेटिव मार्किंग भी होने का डर रहता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भगवान के भक्त बनिए, सीधे साधे भक्त, अबोध शिशु बनिए तो उनकी कृपा आप पर जल्दी होगी। इसी सिलसिले में शिवरात्रि के मौके पर YouTube से कई कॉल आए, कई व्यूअर्स ने प्रश्न किए YouTube से, तो वे जानना चाहते थे कि शिवरात्रि के मौके पर ऐसा वो खास क्या करें। देखिए, उपाय की तो कमी नहीं है, ज्योतिष अनुसार, राशि अनुसार आपको हर चैनल पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो सीधे भक्त जो स्वयं ही कुछ करना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं हैं, या उनके साथ कुछ ऐसी परेशानियां हैं कि वो बहुत स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो मैं उपाय लेकर आई हूं, उम्मीद करती हूं कि उनके लिए सरल होगा, सहज होगा और उनके ज्ञान में वर्धन भी करने वाला होगा। तो क्या है वो उपाय? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि शिवरात्रि के मौके पर अथवा कोई भी व्रत हो, उसमें सबसे पहले शर्त यह है कि वह जो वार का व्रत होता है सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, तो आपको व्रत के दिन विशेष करके सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि उस तिथि या वार को आप जो व्रत कर रहे हैं वह व्रत तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक कि आप स्नान नहीं कर लेते। तो स्नान के साथ ही जैसे ही आप पूजन करते हैं और संकल्प लेते हैं तब वह शुरू होता है। कई महिलाओं में मैंने ऐसी प्रवृत्ति देखी है कि व्रत के दिन भले ही वो सुबह से कुछ ना खाएं, उन्हें लगता है कि व्रत प्रारंभ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक आप स्नान नहीं करेंगे, जब तक आप पूजा नहीं करेंगे और जब तक आप संकल्प नहीं लेंगे तब तक आपका व्रत प्रारंभ नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि आप कब स्नान करते हैं और कब आपका व्रत प्रारंभ होता है। तो कुछ भी करके जब हम कोई व्रत करते हैं तो हमें उसके नियमों का पालन करना ही है और प्राणपण से अपने व्रत की रक्षा करनी ही है। तो सूर्योदय से पूर्व आप उठिए, स्नान कीजिए, पूजा की सभी सामग्री को जुटा लीजिए और उसके बाद यथा विधि पूजन करने के बाद आप कुछ विशेष करना चाहते हैं, और आज तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी सभी अर्थों की सिद्धि होगी, यानी जो भी मनोकामना लेकर आप जो कुछ भी करने वाले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा, तो इस मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि दिन बहुत अच्छा है, वार बहुत अच्छा है, तिथि बहुत अच्छी है, तो पूर्ण फल मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूजन करने के बाद आप अखंड दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। दीप का भी उसी प्रकार से पूजन कीजिए जैसे आपने भगवान का पूजन किया। अब भगवान का पूजन, कभी कभी मैं मंदिरों में देखती हूँ कि गए शिवलिंग पर सीधा जल चढ़ा दिया और बाद में शिव परिवार पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने गुरु का स्मरण करें, गुरु नहीं है तो अपने ईष्ट का स्मरण गुरु रूप में करें और तत्पश्चात आप गणेश जी का पूजन करें। जब गणेश जी का पूरी तरीके से पूजन कर लें, यानी स्नान, पाद्यम, मध्यम, आचमनी इत्यादि करके आप उनको गंध तिलक अर्पण करेंगे, आप उनको पुष्प अर्पण करेंगे, भोग अर्पण करेंगे,
और उनके सबसे प्रिय दूर्वा जब आप उनको अर्पण कर देंगे, उसके बाद ये मामूली पंचोपचार इत्यादि की चीजें मैंने आपको बताई है। विस्तार का कोई अंत नहीं है, आप जितना चाहे विस्तार अपनी कल्पना के अनुसार कर सकते हैं। उसके बाद माँ भगवती पार्वती की पूजा होती है, स्वामी कार्तिकेय जी की पूजा होती है, पूरे परिवार का पूजन करने के पश्चात भगवान नंदीश्वर की पूजा की जाती है, इसी प्रकार से पूजा की जाती है। और इस दिन हो सके तो आप बैल को चारा अवश्य दें ताकि आपके धर्म में वृद्धि हो। भगवान नंदी की पूजा के बाद सर्पों की पूजा और शिव की पूजा की जाती है। अंत में शिव की पूजा करने के बाद आप अगर घर में ये सब पूजा करते हैं तो ठीक है, मंदिर में करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आप सोचेंगे कि दिन भर के लिए मैं क्या करूं, दिन भर में अन्य भी कार्य होते हैं, आप दीप का पूजन भी साथ में जरूर कीजिए। और उसी प्रकार से पूजन करने के बाद आप उसको अखंड रूप में 24 आवर्स के लिए आप प्रज्वलित रहने दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। उसके बाद आपको और क्या करना है, आप आजकल यूट्यूब से बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन हैं, क्लासिकल भी हैं, सेमी क्लासिकल भजन भी हैं, तो इस प्रकार के रुचि अनुसार आप भजन तो लगाएंगे ही, एंटरटेनमेंट तो आप करेंगे ही, लेकिन ये एंटरटेनमेंट के अंतर्गत ही आता है। ये जो दूसरे वाले फिल्मी धुनों पर भजन होते हैं ये अशुद्ध राग और रागनियां होती हैं, इनका सर्वदा निषेध पाया जाता है। आप तीर्थों पर भी जाकर देखेंगे तो ज्यादातर तीर्थों पर इस प्रकार के भजन नहीं चलाए जाते, तो आप क्लासिकल बेस्ड सुन सकते हैं, उससे तन मन को शांति होती है और बॉडी में आपके जीवन में हीलिंग होती है, आपकी लाइफ हील होती है। तो प्रयास करके आप जब भी कोई भजन सुने, किसी भी देवी देवता का सुने, तो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल को ही प्रेफरेंस दें। उसके बाद आप स्वयं क्या करना चाहते हैं, कोई पूजा पाठ कोई अनुष्ठान क्या करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई मंत्र नहीं है कोई जप नहीं है, सबसे उत्तम जो है आप इस दिन शिव पुराण का पाठ कीजिए। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि आपके साथ कोई और सहयोगी भी हो, क्योंकि 24 आवर्स का अगर आप अनुष्ठान करते हैं शिव पुराण का तो वह असंभव सा प्रतीत होता है, इतनी लंबी सिटिंग देना संभव नहीं है। 2 या 3 जनों के मिलके आप परिवार के व्यक्तियों का सहयोग लीजिए, अगर संभव नहीं है तो आप अपने मित्रों का सहयोग भी ले सकते हैं। आप 24 आवर्स में अगर शिव पुराण का पारायण कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अंत में आप विधि पूर्वक फिर पुनः भगवान शिव की पूजा करिए, आप ग्रंथ की पूजा पहले भी कीजिए और पाठ के बाद में भी कीजिए, और उसके बाद आप उस पर एक छोटा सा रुमाल जैसा वस्त्र चढ़ाइए और भोग लगाइए आप ग्रंथ को भी, क्योंकि वह साक्षात शिव का रूप है। और इस प्रकार से आप एक ब्राह्मण भोजन पाले इतना सीधा अथवा भोजन बनाकर दक्षिणा सहित आप मंदिर में देकर आइए। इस प्रकार से यह पारायण हो गया। लेकिन अगर आपको 24 आवर्स में मुश्किल लगता है तो आप 3 दिन की सिटिंग में भी कर सकते हैं, अर्थात अमावस को इसका भोग डाल सकते हैं। अगर आपके लिए ये भी असंभव है तो कोई बात नहीं, आप इस दिन से शुरू कीजिए, मास पारायण विधि से शिव पुराण का पाठ कीजिए। शिव पुराण का पाठ अगर आपको मास पारायण विधि से भी समय नहीं है और टेढ़ा जान पड़ता है तो कोई बात नहीं, आप इस दिन से शिव पुराण करिए और प्रतिदिन 1 अध्याय 2 अध्याय जैसे आपके सामर्थ्य है आप ऐसा संकल्प कीजिए कि हे ईश्वर मैं अमुक अमुक मनोकामना के लिए, आप निष्काम कीजिए, मैं तो कहती हूँ आप निष्काम कीजिए, कामना मत रखिए, लेकिन कोई बात नहीं अगर कामना भी है तो आप एक संकल्पित भाव से प्रतिदिन उसका अध्ययन कीजिए और 2 महीने 4 महीने 6 महीने में जब भी वह पूर्ण होता है इसी प्रकार से उद्यापन कीजिए अथवा इसी प्रकार से अंत में आप उसका पूजन कीजिए जैसे मैंने आपको बताया है। तो देखिए यह ज्ञानवर्धक है। धीरे धीरे हम YouTube में अन्य उपायों को देखते देखते अपने शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं, हम स्वयं में हल नहीं खोज रहे, हम दूसरों से हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से हर पर्व पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप शुरुआत करेंगे तो आपके ज्ञान में स्वयं वृद्धि होगी और आपको इधर उधर से पूछने की ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारे ज्ञान हमारे शास्त्रों में अनंत अनंत ज्ञान है और हमें उससे जुड़े रहने की बहुत आवश्यकता है। इसी प्रकार से जब चैत्र के नवरात्रि आते हैं तो श्रीमद् देवी पुराण का पाठ आप कर सकते हैं, और जब कार्तिक शुरू होता है तो अन्य बहुत से पाठ हैं जो प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो नवरात्रों में क्या करना है यह उस समय पर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप शिव पुराण का पाठ करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ढेर सारी जानकारियां मिलेंगी। और अगर आपको अच्छा लगता है आप पुनः पुनः 1 दिन उद्यापन करने के बाद अगले दिन से पुनः पुनः आप इसका
पारायण कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।